तारे हो पूज्य चौधरी चरण की तुमने रीति नीति अपनाई है। वर्ष 83 के नेताजी सुखद जयंती आई है। भारत भू के हर घर घर में अनुपम खुशियां छाई हैं। देखिए आज समाजवादियों के लिए पर्व है क्योंकि इस देश में समाजवाद की बुनियाद रखने वाले, इस देश में किसानों नौजवानों बेरोजगारों की बात करने वाले, इस देश में सबसे पहले किसानों की सींच माफ करने का आंदोलन चलाने वाले और इस देश में सबसे पहले सींच की बात को लेकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जब बताया था कि सींच बंद हो लगान बंद हो उसका जो आंदोलन चला था उस आंदोलन में सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर किसी की गिरफ्तारी हुई थी तो हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी की गिरफ्तारी हुई थी और उस आंदोलन से निकल कर उन्होंने समाजवादी आंदोलन को गति दिया। सहकारिता से लेकर और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री रहते हुए देश के रक्षा मंत्री रहते हुए समाजवादी पार्टी की जो संस्थापना उन्होंने की उसके संस्थापक के नाते हम सब के अभिभावक हम सब के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जो जन्मदिन है वो हम समाजवादियों के लिए एक विशेष अवसर है, विशेष पर्व है। हमने इस आज के दिन को उनके इस जन्मदिन को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने का काम किया है। हम आज प्रेरणा लेंगे कि किस तरीके से हमारे नेताजी जब साधन संसाधन नहीं थे, जिस समय आधुनिक युग नहीं था, गाड़ियां नहीं थी, टेलीफोन नहीं था, तब समाजवाद की विचारधारा को लेकर जन जन तक किस तरीके से पहुंचे थे। आज तमाम क्रांतियाँ आ गई हैं, टेलीफोनिक क्रांति है, गाड़ियों की क्रांति है, उस दौर में हम समाजवादी लोग कैसे गरीबों के बीच में जाएं, कैसे गरीबों के काम करें। आज हम लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पत्नियों को सम्मानित किया है। हम उन परिवारों के बाद पास भी आज जाएंगे जिनकी जिन्हों रेप रेप करके जिनकी हत्या कर दी गई थी, उन परिवारों से भी मिलने का अवसर हमको जाएंगे इस अवसर पर। और आज हम संकल्प लेते हैं नेताजी के जन्मदिवस के अवसर पर, जनपद उन्नाव का समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते हमारी पूरी पार्टी बैठी है, उस पार्टी के सामने हम नेताजी के जन्मदिवस पर संकल्प लेते हैं कि जनपद उन्नाव से 6 में 6 सीटें जिताकर भेजेंगे और नेताजी को का जो बताया हुआ समाजवाद का रास्ता है, नेताजी ने का उस रास्ते पर बढ़ते हुए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प हम लेंगे। हम इस बात का संकल्प लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार जो अत्याचार उनके शेष बचे दिनों में बचा है उसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी जनपद उन्नाव लड़ेगी।